हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुष्प के प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। तो फ्रेंड, अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे, जो कि हाल में ही ग्रुप डी रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है, अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ट्रेन से, तो आप इन प्रश्नों को देखते जाए, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी रिपीट होते हैं और ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। उसमें टॉप 20 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं स्टार्ट करता हूँ उससे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। पहला क्वेश्चन है, पेंसिल में क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित जो है वो खरकवासला में स्थित है। इसका आंसर है खरकवासला। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंद्रमा की सतह पर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो चंद्रमा की सतह पर पाया जाने वाला तत्व टाइटेनियम है। चौथा क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या जो है फ्रेंड्स वो 24 होती है। और पांचवा क्वेश्चन है, खुजाहो का मंदिर किसने बनवाया था? तो खुजराहो का मंदिर जो है फ्रेंड्स वो चंदेल शासक ने बनवाया था। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स है फ्रेंड, तो आप इसे अच्छे से देख ले और याद कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छठा क्वेश्चन, भारत की आज़ादी किस समय ब्रिटिश पीएम कौन था? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इसका आंसर है इटली। तो अगला क्वेश्चन है, आवर्त गति क्या? तो आवर्त गति जो है, जो वो आवर्धक गति हो वो आवर्त गति कहलाती है। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है फ्रेंड्स। मैंने इसमें से किसी का भी ऑप्शंस नहीं डाले हैं, सीधा लीनियर क्वेश्चन है, तो ताकि आपको आसानी हो याद करने में। आठवां क्वेश्चन है, त्वचा की रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है मेलेनिन। और नवा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद चुनाव की सीमा, आयु सीमा क्या होती है? तो यानी जो राष्ट्रपति चुनाव होता है उसकी आयु सीमा क्या होती है? तो फिर मैं बता दूं, उसकी कोई भी आयु सीमा नहीं है। कभी भी इस राष्ट्रपति चुनाव की आयु सीमा को चुना जा सकता है, कभी भी चुना सकता है राष्ट्रपति को, इसकी कोई भी आयु सीमा नहीं है। दसवां क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? जो कि 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, पिन कोड कब लागू हुआ था? पिन कोड जो लागू हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था 1972 में। तो 1972 में पिन कोड लागू हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, बारहवां क्वेश्चन, 2019 में आम चुनाव के लोकसभा, यानी जो 2019 का जो आम चुनाव होगा वो कौन सी लोकसभा के लिए होंगे? तो वो होंगे 17वीं लोकसभा। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 17वीं लोकसभा, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन, अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेर का निवास स्थान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रहे फ्रेंड, एशियाई शेर का निवास स्थान जो कि भारत में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। और अगला क्वेश्चन है, किस पीएम ने लोकसभा का सामना नहीं किया है? तो ये इकलौते पीएम है चौधरी चरण सिंह, इन्होंने कभी भी लोकसभा अटेंड नहीं किया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का वास्तुकार कौन है? तो B.N. Rao इसका आंसर है, जिन्होंने संविधान का वास्तुकार तैयार किया था, B.N. Rao ने। तो अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्ष योजना की अवधि क्या थी? तो वो थी 1951 से लेकर के 1956 तक। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसमें होता है? तो वो अस्थि मज्जा में होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अस्थि मज्जा में होता है। राज्य में आपातकाल घोषित कौन करता है? तो ये ना तो प्रधानमंत्री करता है और ना ही राज्य के कोई सीएम करते हैं, इसको राष्ट्रपति के तरफ से मंजूरी दिया जाता है। तो फ्रेंड, आपको ये क्वेश्चन सारे कैसे लगे? ये टॉप 20 क्वेश्चन थे पार्ट वन के। मैं इसका पार्ट टू भी लाऊंगा, जिसमें 20 क्वेश्चन और मिलेंगे आपको, तो आप उन्हें भी देख लेंगे। तो मैं क्वेश्चन लगातार अपलोड करता रहता हूँ पर डे। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो पसंद आई, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।